करनाल में घोगड़ीपुर फाटक के पास स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाके के बाद आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण आग में वहां काम कर रहे 4 मजदूर झुलस गए, जिनमें से 3 की मौत हो गई है। एक का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस भीषण आग में फैक्ट्री का सारा सामान, मशीनें, सब कुछ आग में जल गया। दीवारें और छत भी बुरी तरह से टूट गई। जानकारी के मुताबिक आग लगने से पहले फैक्ट्री में 2 धमाके हुए थे, जिसके बाद आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलने पर मौके पर ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस बल पहुंचा, जिन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से आग को काबू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताते चले कि करनाल के घोगड़ीपुर फाटक के पास बम पटाखा फैक्ट्री में 2 ऐसे ब्लास्ट हुए कि सब तहस नहस हो गया। आसपास के लोग सहम गए। बता दें कि पटाखा फैक्ट्री में पटाखे, फुलझड़ी, आतिशबाजी बनती थी, जिसमें आग लगने के बाद तेज धमाके हुए। फैक्ट्री में काम करने वाले 4 मजदूर बुरी तरह झुलस गए थे, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। एक कर्मचारी अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए DSP व SHO मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुनिए DSP जयसिंह ने क्या कुछ कहा। उनको हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। अब मालूम पड़ा कि उनमें भी 2 आदमी एक्सपायर हो चुके हैं। तो टोटल कितने लोग एक्सपायर हो चुके हैं? अब तक टोटल 3 लोग एक्सपायर हो चुके हैं और 1 आदमी भी हॉस्पिटल में एडमिट। तो यहाँ पर क्या काम चल रहा था, ऐसा क्या हुआ कि क्या बताया मालिकों ने? कोई मालिक कभी फरार है और जल्द ही उसको हम पकड़ लेंगे। और यहाँ पर एक फायर वर्क्स की फैक्ट्री है, जो हो सकता है कि फायर वर्क्स का ही काम चल रहा है। तो कोई पटाखे वगैरह भी बनाते थे यहाँ पर? ये फायर वर्क्स का काम पटाखे बनाने का। लाइसेंस वगैरह कोई इनके पास था? कोई कागजात चेक किए गए? वो जांच की जा रही है। मालिक अभी फरार है? मालिक अभी फरार। तो इनकी पहचान होगी जो मृतकों की, जो 3 लोग मरे हैं? हाँ, वो हाँ तमिलनाडु के रहने वाले हैं सभी तीनों। तीन तो क्या कार्रवाई की जा रही है अभी इनका? अभी हमने जो है उनके परिजनों को सूचित कर दिया है और वो रास्ते में है, अभी वो आएंगे। उसका दम जो उचित कार्रवाई। जो तीनों लोग हैं ये आग लगने जलकर मरे हैं या इस बिल्डिंग के नीचे दबे हैं जो लेंटर वगैरह गिरा? जलकर मरे हैं तीनों को, आग से जलकर। आग से। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक